बाबा म्हणते मृदु वचन, आभाळ आले आहे जाण, पडेल पाऊस पीक पिकोन, आभाळ वितळून जाईल। ओम साईराम। साहित्य थीम पार्क में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साहित्य भारत का सबसे पहला धार्मिक थीम पार्क है, जो साई बाबा के मंदिर से केवल 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ विजिट करके आप अपनी शिरडी यात्रा को और भी शानदार बना सकते हैं। श्री साई बाबा के अपरंपार लीलाओं के बारे में तो क्या कहना। उनकी लीलाओं का अगर वर्णन किया जाए तो कहने वालों की जुबान और सुनने वालों के कान थकते नहीं थकेंगे। उनके अगणित भक्तों को उनके जीवन में बाबा के लीलाओं का अनुभव आ ही चुका होगा। ऐसा ही एक दिलचस्प अनुभव खापरडे परिवार को शिरडी गांव में आया। उस जमाने में अमरावती के जाने माने वकील दादा साहेब खापरडे शेगांव के गजानन महाराज और शिरडी के साई बाबा के असीम भक्त थे। एक बार वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ साई बाबा के दर्शन हेतु शिरडी गांव में आए हुए थे। बाबा के दर्शन करने के बाद वो कुछ दिन शिरडी में रहकर बाबा की सेवा करना चाहते थे। उन दिनों शिरडी और आसपास के गांव में प्लेग नाम की जानलेवा बीमारी बुरी तरह से फैली हुई थी। एक दिन अचानक खापरडे जी के बेटे को तेज बुखार आ गया और उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। प्लेग की बीमारी ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया था। उसके बदन पर प्लेग की किल्टी निकल आई। अपने बेटे की यह अवस्था देखकर खापरडे परिवार के पैरों तले जमीन फिसल गई। उस जमाने में शिरडी एक बेहद ही साधारण सा गांव हुआ करता था। गांव में दवा दारू की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए खापरडे परिवार शिरडी छोड़कर अपने बेटे के इलाज के लिए अमरावती लौटना चाहता था। जाने से पहले खापरडे जी की पत्नी अपने बीमार बेटे के साथ साईं बाबा की अनुमति लेने उनके पास पहुंची। उन्होंने बाबा को बताया कि वो अपने बेटे के इलाज करने के लिए अपने गांव लौटना चाहते हैं। उसे प्लेग की बाधा हो गई है, कृपा करके आप हमें जाने की अनुमति दे। बाबा तो सर्वव्यापी थे। बाबा ने शांत चित्त से उनकी तरफ देखा और कहा, आकाश में बहुत ही घने बादल छाए हुए हैं। उनके हटते ही आकाश निर्मल और साफ हो जाएगा। चिंता मत कर माँ, तुमने जिस पल मुझे याद किया उसी पल से तुम्हारे पुत्र की बाधा मैंने ले ली। मुझे अपने भक्त के खातिर कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी कफनी ऊपर उठाकर अपने बदन पे उठी अंडे के आकार की किल्टी लोगों को दिखाई और इस तरह से उन्होंने खापरडे जी के बेटे की बीमारी खुद ले ली और उसकी जान बचाई। भक्तों के दुख दर्द पीड़ा अपने बदन पर झेलकर भक्तों को पीड़ा मुक्त करने का प्रयास बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में किया। उनके इसी गुण से वे भक्तों के हृदय सिंहासन पर राज कर रहे हैं। शिरडी में साई दर्शन के बाद साई तीर्थ थीम पार्क को विजिट अवश्य करें। शिरडी और साई बाबा के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।